हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि राखी आने वाली है तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो सोचा क्यों ना आज भी व्लॉगिंग की जाए। आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जयपुर का मार्केट घुमाती हूँ, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो चीज़ें दिखाती हूँ। एक तो पता नहीं ये व्लॉगिंग करते हुए वर्ड्स को क्या हो जाता, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो अभी तक तो सोचा है कि मुझे ये चीज़ें परचेज करनी है, बट हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम सोच के चलते हैं कि हमें ये चीज़ें परचेज करनी है, तब हमें कुछ भी पसंद नहीं आता। और जब हम ऐसे किसी के साथ जाते हैं तो हमें सारा मार्केट पसंद आता है, सब कुछ हमें खरीदना होता है। तो देखते हैं आज हमें कुछ पसंद आता है या नहीं आता है। तो अभी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बारिश में ना मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने में। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में निकलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं और मार्केट पहुंचने में अभी हमें एक घंटा लगेगा। तो जी, हो चुका है हमारे खाने की शुरुआत। बिना खाए हमारी कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं होती है, और बर्गर की खुशी आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो। अब हम चांदपोल मार्केट में पहुंच गए हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं सामने, ये चांदपोल गेट है। यहाँ से चांदपोल मार्केट शुरू होता है और इसी तरीके के और भी गेट हैं यहाँ पे। तो अभी हम हैं जौहरी बाज़ार वाले मार्केट में, और अभी हम जिस शॉप पे जा रहे हैं वो है राणा की। इससे पहले हम आरी तारी पर गए थे, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई थी। आरी तारी और जो राणा है वो जयपुर का फेमस ब्रांड है। इनके पास आपको कुर्ता, साड़ी, लहंगे का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं लालजी सांड का रास्ता में, और ये जो मार्केट है ये जयपुर का लोकल मार्केट है। यहाँ पे आपको कुर्ता, लहंगा, साड़ी, मतलब जो भी इंडियन आउटफिट्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा और काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा। काफ़ी कम में मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और इसके बाद मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पसंद आई है, इतनी सारी शॉपिंग हमने करी है कि मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अगर आप जयपुर घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, तो आप एक बार लालजी सांड का रास्ता ज़रूर आइएगा। आपको यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी जो मैंने साड़ियाँ परचेज़ की है, मैं उसी के मैचिंग की बैंगल्स यहाँ पे लेने आई हूँ, क्योंकि फिर ना चीज़ें रखी रह जाती है। अभी सब कुछ तैयार होगा तो मैं फटाफट पहन लूँगी। और यहाँ पे है चूड़ा राखी, हमारे जयपुर में जो है मतलब राजस्थान में भाभियों को भी राखी बांधी जाती है, तो ये उन्हीं की है। और अभी मैं यहाँ पर राखी ले रही हूँ अपने भाई के लिए। शॉपिंग करते करते शाम हो गई, रात भी हो जाएगी आगे आप देखेंगे तो। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है न्यू गेट, मतलब इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे गेट बनाए गए हैं। अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, इसी तरीके के गेट हैं। तो अभी हम लोग आए हैं जयपुर का फेमस मार्केट राजा पार्क में, नाम भी राजा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने की काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं।
तो अभी हमारा डिनर हो चुका है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के। और अभी हम राजा पार्क में भी थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग हमें यहाँ से करनी है। यहाँ पे ना आपको अच्छे अच्छे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड मिल जाएंगे, तो हमने यहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और अभी बज चुके हैं 10। हमें घर पहुंचते पहुंचते 11 बजने वाले हैं। आज काफ़ी सारी शॉपिंग हमने कर ली है सुबह के निकले हुए, तो जो शॉपिंग वाला जो हमने ख़रीदा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको घर पर जाके दिखाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने ख़रीदी है, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो अभी हमें स्टैचू सर्कल पर यहाँ पर हमने लिए यहाँ की फेमस कॉफ़ी जो हमें दिख गई थी, तो हमने सोचा जाते जाते ये भी पी जाए। तो ये है स्टैचू सर्कल। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, जल्दी इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो या हॉल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।